नमस्कार, मेरा नाम है अभ्युदय एंड वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ आई मेक अ सॉन्ग। नाउ आप ये जो सेशन मेरे सामने देख रहे हो, मैं इस ट्रैक का ब्रेकडाउन करूंगा जिसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा भी कि मैंने किस तरीके से कब कैसा डिसीजन लिया इस गाने को अप्रोच करने के लिए एंड उसके पहले उसकी बैक स्टोरी क्या थी, ताकि आपको मैं ये समझा पाऊं कि डिसीजंस लिए क्यों गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुमको बता दूं कि ये जो गाना है एक बंगाली गाना है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थ एनिवर्सरी पर हमने इस गाने को रिलीज किया था, बिकॉज दिस इज अ सॉन्ग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ द मोमेंट यू से इट्स अ रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग, कपल ऑफ थिंग्स कम इनटू पिक्चर विच टेक इनटू कंसिडरेशन करना पड़ता है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। सबसे पहली चीज है गाने का सुर। गाने का सुर रविंद्र संगीत के केस में हैज टू बी द मोस्ट एक्यूरेट यू कैन मेक। रेंडिशन है राइट, उसके लिए मैंने इसका ऑफिशियल नोटेशन ढूंढ कर निकाला जो कि बंगाली में लिखा हुआ है। नाउ सिंस आई नो हाउ टू रीड बंगाली सो इट्स फाइन फॉर मी, बट एनीवेज तो ये देख करके हमने सबसे पहले क्या स्टेप लिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इस गाने का एक पियानो वर्जन रिकॉर्ड किया। ओके, यू गॉट द पॉइंट। तो सबसे पहले इस गाने का पियानो रिकॉर्ड किया गया ताकि इस पियानो के ऊपर हम गाना गाकर उसको रिकॉर्ड कर सके एंड देन उसका म्यूजिक ट्रैक वगैरह जो भी है। इस बार हमने इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि ऑब्वियसली वी डिडंट वांट द सॉन्ग सुर टू गो रॉन्ग, जो कि बहुत ही होने के चांसेस रहते हैं। हम लोग जब कवर सिंगिंग करते हैं जस्ट काइंड ऑफ उस फील को रखकर गा देते हैं। एंड ऊपर से दूसरी बात ये थी कि मेरी सिंगर जिन्होंने ये गाना गाया है प्रतिभा, शी इज नॉट अ बंगाली, तो फॉर हर प्रोनाउंसिएशन सुर बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई थी एंड वी स्पेंट आई थिंक 15-20 मिनट्स फॉर द होल रिकॉर्डिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेरेशन, लिसनिंग टू द ओरिजिनल, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग द नोटेशन, सिंगिंग, 15 मिनट्स। ओके, आई एम कमिंग टू दैट। ओके, तो ये नोटेशन आ जाने के बाद हमने बस वर्ड्स को लिखा, यहाँ पे देखो नोट पैड में पूरा ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको ओपन करके हमने गाया। आपको सिर्फ वोकल प्ले करके सुना देता हूँ, ये चीज रिकॉर्ड किया हमने। तो इसके बाद हमने क्या किया, मैंने मेरी वोकल निकाली क्योंकि इसका जो अंतरा वाला पार्ट था दैट वाज टू हाई फॉर हर, इनिशियली इट वाज प्लान्ड कि वही गाएंगी, तो वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। हमने एक ओवरलैप कराया लास्ट वाली लाइन एक्चुअली। मेरी वोकल थोड़ी लो रखी गई, देन वी स्टार्टेड। तुमि सुख जदि नहीं पाओ जाओ सुखेर सन्धाने। तो वोकल रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द म्यूजिक पार्ट। ठीक है, म्यूजिक पार्ट हमने स्टार्ट किया जो कि कुछ इस तरीके से पैड रिकॉर्ड किया गया इनिशियली। अब देखो काफी एयरी पैड है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है लॉजिक के बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स। इसको भी हमने जो रिकॉर्ड किया, इफ यू नोटिस, हमने पूरा पूरा प्ले नहीं किया है। यहाँ पे देखिए साउंड ग्रो कर रहा है, छोड़ दिया है, इसको वापस से उठाया है। सो ये करके हमने क्या किया, क्योंकि देखो पूरा गाने का एक तो आइडिया ये था पहले भाई कि सेकंड पार्ट जहाँ पे मेरी वोकल चल रही है वहाँ पे बीट चालू होगी। हालांकि आखिरी में मैंने बीट भी नहीं डाला इस गाने में क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम नहीं था। बट एनीवेज हमको एक थोड़ी सी एयरिनेस चाहिए थी गाने में, तो इस एयरिनेस को रखने के लिए हमने बहुत गैप इंट्रोड्यूस किया कॉर्ड में एंड धीरे धीरे कॉर्ड बढ़ता हुआ धीरे धीरे गिरता हुआ ऐसी एक साउंड हमने एस्टेब्लिश की। अच्छा, उसके बाद एक रिवर्स गिटार करके एक इंस्ट्रूमेंट हमने निकाला जिससे हमने फिर से कॉर्ड्स ही प्ले किया लेकिन एक आरपेजिएटेड फॉर्मेट में। सुनिए, यही चल रहा है, यही चलता रह गया। सिर्फ फर्स्ट हाफ में है जैसे आप नोटिस कर रहे हैं जहां से मेरी वोकल चालू होती है वहां पे ये चीज नहीं है। तो इफ यू लिसन टू दिस अलोंग विद द वोकल दिस साउंड्स लाइक दिस। तो बस पीछे वो चलता चला गया है एंड उसके साथ जब ये कॉर्ड गिरता है कुछ ऐसा साउंड करता है। जहाँ
इसके बाद हमने क्या किया, वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस थिंग, जो बेसिकली आपका स्ट्रिंग सेक्शन है सॉर्ट ऑफ। ये भी देख रहे हो, कोई रिवर्ब कुछ नहीं, नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया, राइट, सिंपल, एकदम सिंपल। कोमल नी शुद्ध नी सा, इट इज एनीवेज। अभी क्या हुआ देखिए, ये कुल मिला करके कैसी फील आ गई। अमरु पुरानो जहाज़ ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, दैट्स जस्ट थ्री इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ नहीं है, ठीक है। बस इसी में वो पूरी एयरीनेस हमारी आ रही, क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं ना, तो एयर ही नहीं बना सकते उसको, क्योंकि वो बहुत फिल्ड अप सा साउंड करता है। तो ये फीलिंग के साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करना था, सो वी जस्ट काइंड ऑफ केप्ट इट दैट वे। ऑलराइट, नाउ इससे पहले कि मैं इसका अगला हाफ एक्सप्लेन करूं कि देखिए मेरी वोकल के पीछे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चला है, क्या नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चला गया है, हर एक चीज़ें, उसके बारे में आपको बता दूं कि ये वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है, इसका एक फाइनल वीडियो भी बन चुका था जो AMS FNM चैनल पे हमने पब्लिश किया है, AMS Films and Music, अभी द म्यूजिक स्टूडियो फिल्म्स एंड म्यूजिक, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो देयर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑल्सो उस चैनल पे आप बने रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे म्यूजिक वीडियोस हम धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं, एंड आगे चल करके ये आप सबके लिए भी ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप में से कोई सिंगर हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके गाने भी हम इस तरीके से वहाँ पे करेंगे, दैट इज़ गोना कम सून, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड ओवर देयर। अच्छा, इसके बाद चलिए आते हैं, मैं आपको अरेंजमेंट समझाता हूँ मेरी वोकल जहाँ पे चालू हुई है। हमको सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि That is kind of how I thought the song would be, okay? मेरे समझ लो एक म्यूजिक प्रोडक्शन दिमाग में ऐसा ही कुछ था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो इंस्ट्रूमेंट मेरा था रिवर्स गिटार करके जो ये चल रहा था, उसको हमने रोकवा दिया। तुम्हें सुखो जो दी नहीं पा, एंड कॉर्ड्स भी इनिशियली देखो रुका हुआ है, ये जो पैड का जो कॉर्ड्स चल रहा था, क्योंकि हमने उसको पूरा ओपन कर दिया। अगर आप देखेंगे रिवर्ब बहुत हाई है यहाँ पे। Now listen to the reverb. तुमे शुखो जो दी। इतना लंबा रिवर्ब है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको वोकल प्रोसेसिंग थोड़ी ही देर में, बट उसके पहले बस स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज समझिए, मेल वोकल में एयरीनेस लाने का जो तरीका होता है और फीमेल वोकल में एयरीनेस लाने का जो तरीका होता है, दोनों थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। बिकॉज फंडामेंटली स्पीकिंग मेल वोकल में बेस एलिमेंट ज़्यादा रहता है, तो आप डायरेक्टली उसको एयरी बना देंगे तो इट विल साउंड अ लिटिल बैड। बट फीमेल वोकल में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बेस थोड़ी कम रहती है, तो उसको एयरी बनाना काइंड ऑफ एक ईजियर तरीका है, समझ लो। तो इसलिए क्या किया गया है, पहले इस एनवायरनमेंट को पूरा चेंज किया गया है, अदरवाइज चीज़ें बहुत मोनोटोनस हो जाती, ऑलराइट। तो और वैसे भी अ लॉट ऑफ पीपल फॉर सम रीजन दे बिलीव कि रविंद्र संगीत मोनोटोनस होता है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन गिविंग देम मोर पॉइंट्स, ऑलराइट। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए अभी जो ट्रांजिशन हुआ, इस ट्रांजिशन में मैंने एक पियानो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, एंड ये पियानो मैंने जब प्ले किया था, लेट मी टेल यू, ये पियानो मैंने कुछ कॉर्ड्स तो वैसे नॉर्मल हैं जो भी कॉर्ड्स पे गाना चल रहे, बट ऐसा सोच कर नहीं किया कि ऐसे रिदम है। आई जस्ट प्लेड इट लाइक प्लेड इट फ्री स्टाइल, बेसिकली फ्री स्टाइल प्ले किया हूँ। लाइक आई सैट विद द कीबोर्ड एंड आई केप्ट, वोकल रिकॉर्डिंग पहले हो गई थी मैंने बताया आपको, वो सुनते हुए जस्ट केप्ट ऑन प्लेइंग इट, एंड जो आया सो आया, सॉर्ट ऑफ इट्स वन टेक फॉर द एंटायर थिंग। अच्छा, इवन द बीच बीच में देख रहे हो यहाँ पे ऐसे कटा हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ वॉल्यूम अप डाउन, और एंड वाला मैंने फिर से एक बार अलग से रिकॉर्ड किया था, दैट्स ऑल आई डिड, कोई क्वांटाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। ऑलराइट, नाउ देखते हैं किस तरीके से पियानो बेसिकली वो मेरा एनवायरमेंट को चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब कुछ बड़ा सही से बीट पे चल रहा था, 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बड़ा चीजें बहुत बीट पे चल रही है यहाँ पे, क्योंकि आरपीजी है, बट ये पियानो आकर देखो एक डिसरप्शन चालू कर दिया, सॉर्ट ऑफ उस इसको हटा दिया है। तुम्हें सुखो जो दी नहीं पाओ, जाओ सुखेरो संधाने जाओ। मैं वोकल हटा देता हूँ,
अब नोटिस कर रहे हो बहुत ही ज्यादा जो है कि एंट्रोपी ज्यादा है इस पियानो में। यहाँ पे मैंने पियानो क्यों रुकवा दिया, क्योंकि काइंड ऑफ गाने का एक सेक्शन चल रहा था। यू विल अंडरस्टैंड इफ आई प्ले द वोकल ओवर हियर। देखिए, नोटिस कीजिए। हृदय माझे आरु किछु नहि चाहिगो, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो खिलवार चल रही थी, सॉर्ट ऑफ खेल रहे थे हम पियानो लेकर, उसको हमने थोड़ा पॉज करवा दिया। लेकिन वी ब्रॉट इट बैक बट इन अ मच जेंटल वे। ओके, सो दैट वाज काइंड ऑफ प्लान। ये एक प्लान रखना पड़ता है हम जब म्यूजिक अरेंजमेंट करते हैं। तो ये किया गया है। अब देखो भाई, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में कहीं भी आप कर सकते हो, कोई भी वेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट मेन जो प्लान, जिस प्लान को दिमाग में रख के आप ये अरेंजमेंट को अप्रोच करोगे, है ना, उस प्लान के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। टेक्निकलिटी में आते हैं। चलिए अभी टेक्निकलिटी में अगर हम आते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में घूमता है कि वोकल प्रोसेसिंग। ना वोकल प्रोसेसिंग में देखिए, ये मेरा वोकल ग्रुप है। ऑलराइट, वोकल ग्रुप बोले तो वोकल मेरे जो मेल एंड फीमेल वोकल्स हैं, और ये एक एक्चुअली मैनुअल डिले है। मैंने इसके बारे में इसके पहले भी जो ब्रेकडाउन वीडियोज़ मेरी हुई है उसमें मैंने बात की है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा एक बार ये क्या चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ ही बेसिकली हैं यहाँ पे। नाउ ये जो वोकल ग्रुप है, उस ग्रुप की कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। इफ़ यू नोटिस ओवर हियर, यहाँ पे आपको लॉजिक की प्रोसेसिंग दिखती है। देखिए, किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं हुई, बस ग्रुप में डाल के रख दिया, अगर करता तो काम आता ऐसा सोचकर। नाउ यहाँ पे आप सबसे पहले फीमेल वोकल की प्रोसेसिंग देखिए। ये मेन वोकल है जो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हुई थी बिफोर एनी प्रोसेसिंग एट ऑल। तुमी ताई गो अमारु पुरानो जाचार। आपको दिख रहा होगा मुझे बहुत सारा कट कट के लेना पड़ा, दैट वाज मल्टीपल टेक्स, जिनमें से मैंने एक थोड़ा सा इसका रखा बिकॉज प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत नो प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही थी, बिकॉज शी डज नॉट नो द लैंग्वेज एट ऑल। तो काइंड ऑफ एक गेस करके प्रोनाउंस कर रही थी, इस वजह से मुझे वो करना पड़ा। बट एनी वेज, जब ऐसे कट्स आपको करने पड़ते, दैट कैन बी ड्यू टू प्रोनाउंसिएशन, वॉट एवर इश्यूज इट इज, उसको हाइड करने का इन कट्स का सबसे बढ़िया तरीका एक होता है, या तो आप क्रॉस फेडिंग करते रहो चारों तरफ, बट वो मैंने उतना नहीं किया, थोड़े थोड़े किए हैं बट उतना नहीं किया। स्पेशली आपको अंतरा में मिल जाएगा, नॉट अंतरा, इस पार्ट में, ये देखिए। मोर के होना किछु नाइ गो, यहाँ पे बहुत सारा क्रॉस फिटिंग किया मैंने। इसका और भी एक रीज़न था, दैट वाज की वॉल्यूम का अप डाउन, डायनामिक जो मतलब है उनकी वोकल बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना। एनीवेज, द मेन पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें तो आप कर लेंगे, इसके बाद बात आती कि वोकल प्रोसेसिंग। सबसे पहले खतरनाक ई क्यू लगाया मैंने, ई क्यू को नोटिस कीजिए, इतना ज़्यादा बूस्ट है। ओके, ये पहली चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने लो एंड थोड़ा कट किया, हाई एंड पे मैंने एयर बढ़ाया, एंड बीच में यहाँ पे मुझे थोड़ी बूमी फ्रीक्वेंसीज आ रही थी जिनको मैंने काट के फेंका है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड। उसके बाद मैंने एक ऑब्वियसली क्यू के बाद, आप जानते हो कंप्रेसर आता है, ये चेन अब तक आपको समझ आ गई होगी अगर आप मेरे पुराने ब्रेकडाउन वीडियोज देखते हो तो। ई क्यू के बाद कंप्रेशन, राइट। तो देखिए एकदम फास्ट अटैक है, ठीक है, 4 मिलीसेकंड्स, क्विक, बस ये जो टिप्स है, टिप्स को मैं मार रहा हूँ। ओके, लगभग, क्योंकि देखो वोकल में थोड़ी शेकीनेस है, आपको समझ आ रहा है, तो शेकीनेस को मारने के लिए मैंने ऐसा ऐसा करके क्विक अटैक करके उसको काइंड ऑफ एक फ्लैटन किया है। इफ यू नोटिस, मैंने रेशियो इसके 3.5:1, तो ऐसा भी नहीं होगा कि खतरनाक तरीके से उसको फ्लैट कर देगा, डायनामिक कंटेंट तब भी मेंटेन हो रहा है, बट इन अ लिटिल बिट लेस वियर्ड वे, सॉर्ट ऑफ। तो वो यहाँ पे किया गया है। इसके बाद फिर से एक EQ आया है जिसमें मैंने और ज्यादा लो कट किया और ज्यादा हाई बूस्ट किया है। बिफोर एंड आफ्टर सुनो, इसको मैं हटा दूं इस EQ को। तुमी ताई गो, इस EQ को मैं रखूं। तुमी ताई गो, है ना, तो थोड़ा सा क्या हुआ, शार्पनेस आ गई साउंड में, है ना, शार्पनेस आ गई। अभी उसके बाद और एक कंप्रेसर, क्यों, क्योंकि अभी भी जो चीज़ें मेरी बची हुई है उनको मैं थोड़ा सा, बट इस बार अगर आप नोटिस करेंगे मेरा अटैक 50 मिलीसेकंड पे है, दैट मीन्स मैं उतना उसको नहीं मार रहा हूँ, मैं बस ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा वॉल्यूम, उसका डायनामिक नेचर जो है उसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ, दैट्स इट। तुमी ताई, इफ यू नोटिस थोड़ा सा उसको भर दिया, तो ये वाला कंप्रेसर होना और ना होने में
बहुत फर्क है। तुमी ताई। सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, फिलअप हो रही है, सैचुरेट हो रही है साउंड। ऑलराइट, इसके बाद आया है एक डीएसआर। ये डीएसआर क्यों होता है? श च ट ट चक चक, ऐसे आवाजों को निकालने के लिए। तो मा छड़ा, ये जो च, च, च का जो साउंड है उसको मारा गया है इससे। तो मा छड़ाया, यू कैन सी यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि जब वो छ जब हिट हो रहा है तो देखिए मीटर चेक कीजिए। तो मा छड़ा, मीटर वहां पे दिखा आपको पीला कलर का, पीला कलर का बोले तो उसको वहां पे काट रहा है। ये ज का भी है, देखो खतरनाक ज च च च साउंड है। काट दिया, तो दैट्स व्हाई द डीएसआर कम्स इनटू पिक्चर। थोड़ा सा एंड की तरफ इसको लगाएं तो बेहतर है, स्टार्टिंग में लगा देंगे तो इट माइट नॉट वर्क आउट। जितना आपको ईक्यू कंप्रेशन करना है सारा कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा डीएसिंग करेंगे तो बेहतर रहता है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक लीनियर ईक्यू, फाइनल एक ईक्यू ऐड हुआ है, जिसमें ये वाला ईक्यू का थोड़ा सा एक्चुअली कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। ये वाला ईक्यू मैं ऑटोमेशन के लिए यूज किया हूँ, एक्चुअली ऑटोमेशन के लिए। नोटिस दिस सेक्शन, मोर के होना किछु ना, नोटिस किया? खुद ही वो होना किछु ना गो। वो कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे ऑटोमेशन चालू किया, एंड अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे लॉजिक में क्या होता है कि यू कैन एक्चुअली ऑटोमेट एनी पैरामीटर, एक्चुअली किसी भी डोम में आप कर सकते हो, यहाँ पे करना थोड़ा इजी है। यू कैन ऑटोमेट एनी पैरामीटर। तो मैंने ये जो मेरा जो छठा वाला ईक्यू है, यानी कि यहाँ पे टोटल छः एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, छठा वाला जो एलिमेंट यानी कि ईक्यू, उसका जो हाई शेल्फ है, ठीक है, उसको मैंने ऐसा सिलेक्ट कर लिया था। एक्चुअली ये देखो यहाँ मिल जाएगा हाई शेल्फ कैन, बोल्ड में दिखा रहा है क्योंकि सिलेक्टेड है। तो उसको लेकर मैंने क्या किया, मैंने उसको यहाँ पे -0.4 में नॉर्मली था, मैं -4.2 पे लाया हूँ, वापस उठा दिया हूँ। तो जहाँ पे वोकल खुल रही है वहाँ पे थोड़ी शार्प आवाज़ आ गई थी, उस शार्पनेस को काटने के लिए हर जगह डीएसआर कंप्रेसर वर्क नहीं करते, मैनुअली थोड़ा सा ऑटोमेट कर दोगे तो थिंग्स बिकम मच ईजियर। इसके बाद चलिए आते हैं सेंट ट्रैक पे। सेंट ट्रैक पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रिवर्ब डिले वगैरह डाला है। ये जो 3, 4 और 5 आपको यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाई दे रही है, 3 बेसिकली है मेरा एक शॉर्ट रिवर्ब, ठीक है, 4 जो है वो बेसिकली है मेरा एक लॉन्ग रिवर्ब, और 5 जो है वो है मेरा एक स्टीरियो डिले, टारा टारा डिले। तो ये जब मैंने डाला क्या हुआ, देखिए अमरु पुरानो जहाचाय, काफी लंबा डिले है क्योंकि सॉरी रिवर्ब है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई मेरा तो एयरिनेस चाहिए, तो थोड़ा खोल दो रिवर्ब को। बट मैंने एक चीज किया, मैंने हर एक रिवर्ब को एक्चुअली मैंने इक्यू किया है, रिवर्ब को इक्यू किया है, रिवर्ब वाले साउंड को मैंने इक्यू किया है कि रिवर्ब होकर जो लंबा खींचा चला जा रहा है उसकी आवाज कैसी होगी। ये शॉर्ट रिवर्ब का इक्यू है, ये लॉन्ग रिवर्ब का इक्यू। अगर आप देखेंगे मैंने हाईज कट कर दिए रिवर्ब में, ताकि जब ओरिजिनल वोकल की जो मतलब लेट्स से स्पेस है ना, जब जब चीज़ें शार्प होती है वो बहुत उठ के आपके कान पे सुनाई देती है, रिवर्ब को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। तो पीछे रखने के लिए एक तरीका जो होता है कि उसके हाइज कट कर दो। द मोमेंट यू कट द हाइज ऑफ समथिंग दैट साउंड्स अ लिटिल बैक, कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, मतलब क्या सामने क्या पीछे, वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए देखो ये कट किया गया है, और ये जो डीले है नॉर्मली ये डीले बहुत कम रखा गया है सिवाय एक जगह के, जो है कि वही वाला जगह जहाँ पे मैंने हाई कट किया था थोड़ा। देखो ये जो सेंट ट्रैक का जो परसेंटेज है इसको चेक कीजिएगा, ये वाला मोर के नोटिस आपने देखा वहां पे बढ़ गया था वो। इसका ऑटोमेशन चेक करो आपको और प्रॉपरली मालूम पड़ेगा। ये देखिए स्टीरियो डिले, स्टीरियो डिले जो है मेरा लगभग ना के बराबर है, -55, यहाँ पे अचानक से देखिए -6 तक आ गया। इस वजह से क्या हुआ, ये चीज हुआ। अगर मैं और कहीं पॉज करूं देखिए सिर्फ रिवर्ब सुनाई देगा, यू कैन हियर द रिवर्ब। बट अगर मैं यहां पॉज करूं देखिए, दैट्स द स्टीरियो डिले, काइंड ऑफ यू नो क्रिएटिव इफेक्ट, आई जस्ट डिसाइडेड टू डू दैट ओवर देयर, आई डिड इट। ओके, अब ये जो वोकल है जैसे मैं आपको पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ ये चीज़ क्या होती है, वो है बेसिकली आपका एक मैनुअल डिले। मैं मैनुअल एक डिले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और इसमें क्या किया हुआ, इसकी वॉल्यूम को बहुत डाउन रखी हुई है ताकि ओरिजिनल के साथ ही लड़ ना जाए।
यू कैन ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ साइड चेनिंग ओवर हियर, वो भी मैंने आपको पहले की मेरी वीडियोज में दिखाई है ब्रेकडाउन्स में, आप चेक कर सकते हो कि साइड चेन करके कैसे आप ऐसे मैनुअल डिले को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने साइड चेन नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ ये गई वोकल प्रोसेसिंग ऑन द फीमेल वोकल। तो अगर हम वंस अगेन बिफोर एंड आफ्टर चेक करेंगे, ये था बिफोर आमारो पोरानो जाहाचा, और ये रहा आफ्टर आमारो पोरानो जाहाचा। अभी आते मेल वोकल के ऊपर, हमने जो काम किया है उसके ऊपर। अभी यहाँ पे बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे मेरा प्लगइन चेन लगभग सेम है, सिवाय एक चीज की, ये जो लास्ट वाला हमने EQ डाला था उसका, जिसका हमने ऑटोमेशन किया था, वो वाली चीज यहाँ पे मिसिंग है, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इसका सबसे पहले तो आप नॉर्मल EQ चेक कीजिए। EQ काफी अलग है, काफी अलग है, हाई काफी ज्यादा बूस्ट किया हुआ है। ठीक है, एक तो मुझे एयरिनेस चाहिए थी, उस सेक्शन को लिटरली हम एयर कहते हैं, आफ्टर 8K 10K के बाद जो एरिया, तो उसको एयर कहा जाता है। आपने सुना होगा एयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ बूस्टर पे एयरिनेस आती है। अनदर रीजन आई बूस्टेड दिस थिंग वाज बेसिकली क्योंकि मैं पैरेलली और भी एक चीज कर रहा था जब मैं इस गाने को रिकॉर्ड कर रहा था, वो है कि इस माइक्रोफोन की मैं सिंगिंग टेस्ट कर रहा था। ये DCM6 माइक्रोफोन है, डायनामिक माइक्रोफोन है। मैं ये कंडेंसर यूज करने वाला था, बट इंस्टेड ऑफ ये JBL का कंडेंसर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट आई यूज द डायनामिक माइक टू टेक द वोकल, क्योंकि कंडेंसर माइक जैसे एक तरीके से बहुत फाइन साउंडिंग होता है, ये माइक्रोफोन बहुत पावरफुल है। बट पावरफुल कोई भी चीज़ जब होती है ऑडियो इक्विपमेंट, उसका क्या रहता है, मेन पावर उसका मिड पे रहता है, हाई पे कभी पावर नहीं रहता है। तो दैट मीन्स अगर मैं कंडेंसर की जगह एक डायनामिक माइक यूज करूँ जो भी इतना पावरफुल है, तो मुझे हाई बूस्ट करना ही पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी को समझो, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग वर्क्स एंड यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि आपको इफेक्ट क्या लगाना पड़ेगा। इफेक्ट समझने के लिए सोर्स जहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसे समझना जरूरी है। एनीवेज, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा, यहाँ पे मुझे बॉक्सिनेस मिली थी और यहाँ पे मैंने देखिए काट दिया 128 हर्ट्ज के नीचे सब कुछ। और ये वाला जो मैंने थोड़ा सा डाउन किया है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द हर्श फ्रीक्वेंसीज, 4 to 6 के बीच में जनरली वो होता है। अच्छा, उसके बाद फिर से कंप्रेस किया गया, सिमिलर कंप्रेशन सेटिंग्स, थोड़ा बहुत थ्रेशोल्ड में चेंजेस हैं। अच्छा, फिर से एक लीनियर EQ लगाया गया है जिनमें थोड़ा सा यहाँ पे मैंने काटा है क्योंकि ये वाले एरिया में मुझे फिर भी बॉक्सिंगनेस आ रही थी, एंड फिर ये आया है। एंड फाइनली जाके आपका और एक कंप्रेसर, सेकेंड कंप्रेसर। बट डिफरेंस की बात ये है, फीमेल वोकल के केस में सेकेंड कंप्रेसर आपका बहुत स्लो अटैक था, ये वाला काफ़ी फास्ट अटैक है। सो दैट्स अ डिफरेंस दैट इज देयर। एंड लास्टली आपका एक DSL लगा है जो एकदम जेनेरिक वे में 7000 हर्ट्ज पे अप्लाई किया गया। नाउ आई जस्ट शो यू द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ ईच प्लग इन एंड वन बाई वन हाउ इट चेंज्ड। ये नॉर्मल वोकल है। तुम्हें सुख जोदि नहीं पाओ, आप नोटिस कर रहे हैं बेस हैवी है, तो जैसे ये वाला EQ लग गया, तुम्हें सुख जोदि नहीं पाओ, उसके बाद ये कंप्रेशन लग गया, अब साउंड थोड़ा सा जमेगा, तुम्हें सुख जोदि नहीं पाओ, उसके बाद EQ लग गया, नहीं पाओ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने गलत किया है, दिस इज अ मिस्टेक ओके दैट आई डिड, वो कि ये 3 to 6 वाला जो एरिया है, 4 to 6, इसको यहाँ पे मैंने बूस्ट देने के चक्कर में वो भी बढ़ गया, जिस वजह से एक नेजलिटी आ गई है आवाज में, थोड़ी नेजल आवाज निकल रही है नाक वाली, दैट इज ड्यू टू दिस सेक्शन ओके। तो 4 to 6 थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एनीवेज, उसके बाद एक कंप्रेसर है, नहीं पाओ, और फाइनली एक DSR है, नहीं पाओ, जाओ सुखे रोशन। एंड इफ यू नोटिस हर जगह से मैंने ब्रेथ नॉइस को काट दिया है, यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ देता ब्रेथ नॉइस आता, ये कभी कभार ब्रेथ नॉइस को रखा पॉप में भी रखते हैं, बट इस केस में अ लिटिल लेयरिनेस ब्रेथ वुड एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन ओवर देयर, क्योंकि रिवर्ब में पूरा फैल जाएगा, समझो, क्योंकि बहुत रिवर्ब है ना, फैल जाएगा मेरा ब्रेथ। तो अदरवाइज मैं ब्रेथ को काट के दूसरे ट्रैक में लेकर उसको प्रोसेस कर सकता था, बट अगेन दैट वाज अ लिटिल लेस टाइम वी हैड। एनीवेज, तो उसके बाद यहाँ पे फिर ये डिले है, अच्छा खासा लगा हुआ है ओके। तुम्हें सुख जोदि नहीं पाओ, तो अगर आपने ध्यान दिया अब तक तो आपको मालूम पड़ा कि सिर्फ मैंने अरेंजमेंट ही चेंज नहीं की थी मेरे मेल एंड फीमेल वोकल पोर्शन में, मैंने ऑल्सो उसके साथ साथ इसका जो प्रोसेसिंग टेक्निक है उसको भी बदल दिया है, राइट। यहाँ पे मुझे क्योंकि फील थोड़ा बदलना था तो मैंने डिले ज़्यादा कर दिया है, एक तो वोकल की प्रोसेसिंग ही कम्प्लीटली अलग है, इवन दो चेन ऑफ प्लगइन सेम है, EQ कंप्रेसर, EQ कंप्रेसर, DSR,
चेन सेम है दोनों में, बट वो EQ कैसा है, वो कंप्रेसर कैसा है, वो हर एक चीज चेंज होती रह गई है. एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अ लिटिल डिफरेंस इन द वोकल. नाउ अच्छा, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन इन दिस वीडियो. वन लास्ट थिंग आपको दिखाऊंगा जो है कि ऑटोमेशन स्ट्रिंग्स पे देखिए, इंस्ट्रूमेंट पे भी बहुत ऑटोमेशन लगा है, वॉल्यूम ऑटोमेशन स्पेसिफिकली. ये वाला जो सेक्शन था ना, नी सा वाला जो सेक्शन था उसको देखिए, अगर मैं बिना ऑटोमेशन का करूँ तो कुछ ऐसा रहेगा. प्लेन प्लेन प्लेन, लेकिन उसको ऑटोमेट करके मैंने ऐसा किया. मतलब अगर एक रियल वायलिनिस्ट इसको बजा रहे होता ना, वो वाली फील मैंने लाने की कोशिश की. एंड दैट काइंड ऑफ वर्क्स आउट. मतलब खुद ही सुनिए, अगर मैंने ये सारे ऑटोमेशन से यहाँ से हटा दिए एंड नॉर्मली अगर मैं इसको प्ले करूँ, कोई मूवमेंट नहीं है, बट द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस दैट, परफेक्ट. दैट वॉज द होल प्रोसेस, जिस तरीके से मैंने इस गाने को सोचने से स्टार्ट करके उसको रिकॉर्ड करना एंड फाइनली उसको प्रोसेस करना एंड अल्टीमेटली जो है कि इसका एक आउटपुट निकालना, ताकि हम इसको सोशल मीडिया में पब्लिश कर सकें, इसकी वीडियो वगैरह बना सकें. तो वंस अगेन, अगर आपने अब तक इस गाने को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड पिंड कमेंट में मैं इसकी लिंक डाल के रखूंगा. और बगल में ये जो दो वीडियोज आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन दिखाए हैं.